सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका एआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ चेहरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी और अंदर घुसने के संबंध में दिया ज्ञापन, अंजुमन डेलीगेशन मिला आईजी कार्रवाई की मांग। कलेक्टर मीना अचानक पहुंचे गिरवा तहसील, सभी कर्मचारी आए अलर्ट मोड पर। एलपीजी गैस भरने के दौरान वैन ब्लास्ट, अवैध तरीके से कर रहे थे गैस रिफिलिंग। अवैध रूप से ले जाई जा रही अफीम डोडा समेत ब्रेजा गाड़ी जब्त, खेरोदा थाना क्षेत्र का मामला। पनवार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्कर को पकड़ा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञापन की। नव वर्ष पर असामाजिक तत्वों द्वारा पलटन मस्जिद चेतक पर पत्थरबाजी एवं अंदर घुसने के संबंध में अंजुमन तालीमुल इस्लाम का एक डेलीगेशन आईजी साहब से मिला और बताया कि विगत घटना का परिवाद हाथीपोल थाने में दर्ज करवाने के बावजूद अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है और न ही अभी तक FRI दर्ज होने के संबंध में उचित अधिकारियों को अवगत कराया। इस मामले में अंजुमन ने तुरंत कठोर कार्रवाई करने की मांग के साथ ही प्रशासन को अवगत भी कराया कि असामाजिक तत्वों में प्रशासन का डर ना के बराबर है, जिसके चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं अंजाम दी जा रही है और प्रशासन मुख दर्शक बना हुआ है। जगह जगह भड़काऊ नारे और अपमानजनक शब्दावली से मुस्लिम समाज आहत है और युवाओं का गुस्सा चरम पर है। इससे शहर की शांति बिगड़ सकती है, इसलिए वक्त रहते उचित और कठोर कार्रवाई की जल्द से जल्द मांग की गई और ऐसे असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे डालने का अनुरोध किया गया। डेलीगेशन में अंजुमन सदर मुजीब सिद्दीकी, सेक्रेटरी आबिद पठान, नायब सेक्रेटरी उमर फारूक, पलटन मस्जिद सेक्रेटरी रियाज हुसैन, अंजुमन कैबिनेट मेंबर एडवोकेट नवेदुज्जमा अयूब डायर व पूर्व पार्षद नासिर हुसैन, इजहार हुसैन आदि उपस्थित थे। उसमें जो पलटन की मस्जिद में पत्थरबाजी हुई है, वहाँ पे जो आपत्तिजनक नारे लगे उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पलटन की मस्जिद के सेक्रेटरी साहब ने वहाँ पे रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके लिए हम आज AGM सिटी साहब, कलेक्टर साहब थे नहीं, AGM सिटी साहब और IG साहब से मिले और अपनी बात रखी। उसमें हमने मांग करी कि जल्दी जल्दी FIR दर्ज करी जाए, उन लोगों को असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया जाए, जिससे शहर में अमन चैन शांति बनी रहे और सामाजिक समाज बना रहे। पलटन मस्जिद के बाहर जिस तरह से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस जुलूस में शामिल थे, उन्होंने नापाक हरकत करके पलटन मस्जिद पर पत्थर फेंके गए और बहुत ही गंदे नारेबाजी की गई, उससे मुस्लिम समाज आहत है। हमने उसी दिन प्रशासन को लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया था कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं होने पर आज हम यहाँ कलेक्टर साहब, SP साहब, IG साहब से मिलने आए हैं और उन्हें ज्ञापन इस बात के लिए दिया है कि शहर की अमन चैन और खुशहाली बनी रहे, इसके लिए ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अगर नहीं करेंगे तो शहर की फिजा खराब होगी, इसलिए हमारा प्रशासन से खास तौर से गुजारिश है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बुधवार को अचानक गिरवा तहसील कार्यालय पहुंच गए। मीणा के तहसील कार्यालय पहुंचने पर सभी कर्मचारी अलर्ट मोड पर आ गए। कलेक्टर ने यहां पर निरीक्षण करते हुए अलग अलग प्रभावों की जानकारी ली। उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों और अधिकारियों से बात भी की। तहसील कार्यालय में आमजन के लिए होने वाले कार्यों के बारे में जानकारी लेते हुए उन्हें समय पर पूरा करने की बात कही। कलेक्टर ने यहां पर राजस्व प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति के बारे में जाना। इससे संबंधित कर्मचारियों से कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों को समय रहते निस्तारित करें, लोगों को इसके लिए चक्कर नहीं लगाना पड़े, विभाग पूरी तरह से इस बात का ख्याल रखे, शिकायत आने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से ले जाए जा रहे अफीम डोडा समेत ब्रेजा गाड़ी को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक उदयपुर मनोज कुमार द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा था।
खेरौदा थाना पुलिस को रात्रि में नेशनल हाईवे पर वासुदेव होटल के सामने भट्टे पर नाकाबंदी प्रारंभ की गई। दौरान नाकाबंदी मंगलवार की तरफ से एक ग्रे कलर की ब्रेजा गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर RJ27CF8415 आती हुई नजर आई, जिसके चालक ने गाड़ी को नाकाबंदी से पहले ही रोक अचानक गाड़ी में पुन मंगलवार की तरफ रॉन्ग साइड से ही भागने लगा, जिस पर टीम द्वारा गाड़ी का पीछा किया तो भटेवर रेलवे पुलिया के पास कच्चे रास्ते पर उक्त ब्रेजा गाड़ी खड़ी मिली। गाड़ी के अंदर व आसपास देखा तो कोई व्यक्ति नहीं दिखा। गाड़ी के नंबर प्लेट चेक की तो आगे व पीछे नंबर प्लेट पर नंबर RJ27CF8415 लिखे हुए थे। आगे व पीछे के नंबर प्लेट खोलकर देखी तो दोनों नंबर प्लेट पर पीछे की तरफ नंबर RJ35CA2016 लिखे हुए थे। गाड़ी को अंदर से चेक किया तो गाड़ी के अंदर प्लास्टिक के 8 कट्टों में करीब 90 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा भरा हुआ मिला। उक्त अफीम डोडा चूरा को ब्रेजा गाड़ी को जब्त किया जाकर प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान देवेंद्र सिंह थानाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। उदयपुर में बुधवार सुबह अचानक से एक के बाद एक धमाकों की आवाज से दहशत फैल गई। यहां एक रिहायशी कॉलोनी में गैस रिफिलिंग की जा रही थी, तभी अचानक आग लग गई। इस हादसे में एक वैन जलकर खाक हो गई। आग की चपेट में आई वैन से धमाके होने लगे। सामने आया कि कार में गैस भर रहा एक युवक घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना शहर के धान मंडी इलाके की है। सुबह तैयबिया स्कूल के पीछे गली में एक दुकान में मुर्तजा नाम का एक युवक कार में गैस भर रहा था। गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में लगा LPG किट में अचानक से ब्लास्ट हो गया और आग पकड़ ली। इस दौरान एक सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया और इसके बाद धमाके होते रहे। धान मंडी इलाके में लगी इस आग से अचानक अफरा तफरी फैल गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि 500 मीटर दूर कलेक्ट्रेट तक धमाकों की आवाज़ सुनाई दी गई। इस हादसे में मुर्तजा नाम का युवक घायल हो गया, जबकि कार मालिक का अभी तक पता नहीं चला है। बताया जा रहा है कि वह कार वहीं छोड़कर चला गया था। घायल युवक को MB हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि बिजली के तारों में भी आग पकड़ ली गई, लेकिन मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की टीम ने लोगों ने समय पर आग पर काबू पा लिया। देश की सबसे बड़ी मार्बल उत्पादक राजसमंद जिले में इन दिनों मार्बल व्यापारी और ट्रक एसोसिएशन के सदस्य आमने सामने हैं। कल मार्बल व्यापारियों के जिला कलेक्टर SP को ज्ञापन सौंपने के बाद आज बड़ी संख्या में ट्रक मालिक विरोध जताने के लिए जिला कलेक्टर पहुंचे। यहां उन्होंने राजसमंद ट्रक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन के बैनर तले 22 सूत्री मांग पत्र पुलिस अधीक्षक को सौंपा। ट्रक ट्रेलर मालिकों ने अपनी मांगे नहीं मानने पर वाहनों की चाबी कलेक्टर को सौंपने और चक्का जाम करने की चेतावनी दी। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रमोद पालीवाल ने बताया कि राजसमंद जिले के कुछ मार्बल व्यापारी बाहर से अपने चहेतों को ट्रांसपोर्टेशन व्यवसाय में शामिल करने के और नाजायज दबाव बनाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिले से तैयार मार्बल ग्रेनाइट देश भर में भेजा जाता है। ट्रक और ट्रेलर मालिकों को इसका पैसा मार्बल व्यापारियों की ओर से दिया जाता है, जो कई बार महीनों तक उधार रखा जाता है, जिससे ट्रक मालिकों को वाहनों के संचालन में काफ़ी परेशानी का सामना पड़ रहा है। वहीं मार्बल व्यापारी GST बिल पर चोरी करने, ओवरलोड भरवाने जैसी कई गैरकानूनी मांगे पूरी करने के लिए दबाव बनाते हैं और इन्हें पूरा नहीं करने पर वह अपने चहेते ट्रक चालकों को बाहर से बुलाने की साजिश रच रहे हैं। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि व्यापारी मनमाना किराया वसूलने के झूठे आरोप लगा रहे हैं, जबकि वह नियम अनुसार भाड़ा वसूल रहे हैं। उन्होंने मार्बल व्यापारियों को आश्वस्त किया कि 110 रुपये तक डीजल की कीमत होने तक किराया नहीं बढ़ेगा। इसके बावजूद भी कुछ मार्बल व्यापारी हठ धर्मिता अपनाते हुए समस्त लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कल ज्ञापन दिया, उसके विरोध में आज का हमारा ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का ज्ञापन है। बिल्कुल असत्य बात है, झूठ बात है। किशनगढ़, चित्तौड़ और उदयपुर के संदर्भ में लगभग बाड़ा है, किलोमीटर का डिस्टेंस जो होता है उसी के अंतर्गत 19-20 फर्क होगा, बाकी कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। 500-1700 रुपये ट्रक में उदयपुर में गाड़ी नहीं मिलती है। आप 2250 रुपये ट्रक? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। हमारे पास बिल्टी है, किशनगढ़ से जो गाड़ी सूरत भर के जा रही है वो 1500 रुपये टन में जा रही है और हमारे यहाँ से 1300 रुपये में सूरत का भाड़ा है। तो कैसे हुआ डिस्टेंस? किशनगढ़ की से 1500-1600 रुपये सूरत का भाड़ा है, हमारे यहाँ से 1300 रुपये भाड़ा है। वो के ओपन मार्केट करो, रोज का भाड़ा रोज करो, तो हम सब गरीब अमीर मोटर मालिक को एक ही पद्धति में रखते हुए चलाना चाहते हैं। महंगाई बढ़ रही है तो फिर भी हमने 6 महीने में भाड़ा नहीं भरा। इन्होंने जो भाड़े के जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल झूठ है।
भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर आज उदयपुर में बीजेपी की पदाधिकारियों द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा भाजपा कार्यालय से शुरू हुई और सूरजपोल स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। भाजपा पदाधिकारियों द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। ग्रामीण विधायक फुलसी मीणा ने बताया है कि भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के सभी भाजपा पदाधिकारी आज कार्यालय पर इकट्ठे हुए और एक दूसरे को बधाई दी। मीणा ने कहा कि भाजपा देश की सबसे बड़ी पार्टी है और हमेशा जनहित के लिए कार्य करती है। जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली ने बताया कि इस आयोजन के दौरान सभी भाजपा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, मंडल पदाधिकारी, मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, शक्ति केंद्र पदाधिकारी, बूथ पदाधिकारी, पार्षद, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य आदि मौजूद थे। 6 अप्रैल 1980 जनता पार्टी का विघटन हुआ, जनता पार्टी टूटी और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल 1980 को बॉम्बे के अधिवेशन में हुआ। तब प्रथम अधिवेशन में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रथम अध्यक्ष बने और उन्होंने बहुत भावुकता के नाते उस समय कहा था कि अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा। उस स्थापना दिवस के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत खुशी का इजहार कर रहा है और विश्व के अंदर सबसे अधिक कार्यकर्ताओं की पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर उभरी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस सारे देश के अंदर बहुत उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये 42वां स्थापना दिवस है और जनसंघ से लगाकर वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है उसके अंदर ऐसे अनेकों कार्यकर्ताओं का योगदान दिया है जिन्होंने इस संगठन को मजबूत करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार से कई विकास की योजना बनी है, गांव, गरीब, किसान, मजदूर और उसके साथ साथ में दलित, पिछड़ा वर्ग, जनजाति वर्ग, महिला वर्ग, इन सब के कल्याण की जिस प्रकार से इन्होंने योजना बनाई है और आपने देखा होगा इसका सीधा सीधा लाभ इनको किस प्रकार मिले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज वास्तव में कर्तव्य बनता है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों के कल्याण में अपना सहयोग प्रदान करें। चित्तौड़गढ़ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौड़गढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह के निर्देशन में दयालाल चौहान पुलिस निरीक्षक ने माय टीम ट्रैपिंग कार्रवाई कर समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक गंगरार में कार्यरत संविदा कर्मी कनिष्ठ अभियंता सत्येंद्र सनाडाय पिता ब्रज मोहन सनाडाय निवासी फ्रेंड्स कॉलोनी चित्तौड़गढ़ को उसके गंगरार स्थित अस्थाई निवास में 7,500 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि परिवादी भेरूलाल रेगर निवासी ठिष्टा तहसील गंगरार ने ब्यूरो में रिपोर्ट दी कि उसकी फर्म भेरूलाल मटेरियल सप्लायर्स द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उंडवा में कमरे का निर्माण व मरम्मत सहित अन्य निर्माण कार्य किए गए उसके भुगतान की एवज में कनिष्ठ अभियंता द्वारा 15% कमीशन के हिसाब से रिश्वत की मांग की जा रही है। ब्यूरो द्वारा 1 अप्रैल को उसका सत्यापन किया और 5 अप्रैल को कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामले में अन्य कार्यवाही जारी है। झालावाड़ जिले के पनवाड़ थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए पनवाड़ थानाधिकारी अशोक कुमार ने बताया है कि झालावाड़ SP मोनिका सेन के निर्देश पर मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत खानपुर DSP राजीव परिहार के सुपरविजन में पनवाड़ थाना क्षेत्र में समतखेड़ी पुलिया के समीप नाकाबंदी की गई थी। उसी दौरान कोटा की ओर से आ रहे बाइक सवार 2 संदिग्ध लोगों को रोककर तलाशी ली जिसके पास 2 थैलियों में छुपा कर रखा 6 किलो अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर आरोपी इमरान निवासी अनंतपुरा कोटा तथा लकी खान निवासी रामगंज मंडी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की पल्सर बाइक को भी जब्त कर लिया है। पुलिस आरोपियों की मादक पदार्थ तस्करी से जुड़े इनके क्षेत्रीय नेटवर्क के बारे में जानकारी खंगाल रही है। झालावाड़ जिले के करावन में आज सुबह एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 7 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की चपेट में आने से बालिका करीब 100 फीट तक की घसीटती चली गई, इससे उसके चितड़े उड़ गए।
वहीं बालिका की दर्दनाक मौत के बाद करावन में आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम लगाकर ट्रक को कब्जे में ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए भवानी मंडी वृत्ताधिकारी अरुण कुमार व मिशोली पुलिस भी मय जाब्ता के घटनास्थल पर पहुंची। ग्रामीणों ने मृतक बालिका के परिजनों को 20 लाख मुआवजा देने, स्पीड ब्रेकर बनाने और करावन में मुख्य सड़क पर बाईपास से निकालने की मांग की है। ग्रामीण बालिका के शव को सड़क पर ही रखकर प्रदर्शन किया। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी और अंदर घुसने के संबंध में दिया ज्ञापन, अंजुमन डेलीगेशन मिला आईजी कार्रवाई की मांग। कलेक्टर मीना अचानक पहुंचे गिरवा तहसील, सभी कर्मचारी आए अलर्ट मोड पर। एलपीजी गैस भरने के दौरान वैन ब्लास्ट, अवैध तरीके से कर रहे थे गैस रिफिलिंग। अवैध रूप से ले जाई जा रही अफीम डोडा समेत ब्रेजा गाड़ी जब्त, खेरोदा थाना क्षेत्र का मामला। पनवार थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा सहित दो तस्कर को पकड़ा। तो दीजिए इजाजत जरा शेख को और खबरों के लिए देखते रहिए एआर न्यूज। नमस्कार। सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं, आप देख रहे हैं आलीशान आर न्यूज।